Hi there! Welcome back to Minds Mind Tutorials. So our today's topic is pregnancy diagnosis tests, and this topic comes under the paper General and Comparative Physiology or Endocrinology, which is generally uh, studied under the MSc second semester examinations. So yeah, without a further ado, let's get into the video.

वो यहाँ पर ठीक होगी इस जगह पर सो मे बी मुझसे कई टाइपिंग एरर हो गई होगी एंड टू अर इज़ ह्यूमन सो हम लोग इसको ठीक करेंगे और एशम जोनडेक टेस्ट जो होता है वो एक माउस टेस्ट कहलाता है क्योंकि यहाँ जो टेस्ट एनिमल होता है वो माउस था अब मैं यहाँ पर पहले इसका टेक्स्ट पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ जनरली होता क्या है कि मान लीजिए एक माउस है उस माउस के अंदर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ माउस विच वी आर काइंड ऑफ ड्राॅइंगयर सो प्रॉपर वे में अभी ड्रॉ नहीं हो पा रहा है तो इस माउस के अंदर जीरो पॉइंट फोर से लेकर जीरो पॉइंट फाइव एम एल जो होता है मॉर्निंग यूरिन जो होता है किसी भी ऐसी वुमेन का जिसको ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रेगनेंट होगी उसका यूरिन इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वो भी कितना ज़ीरो पॉइंट फोर से लेकर जीरो पॉइंट फोर से लेकर जीरो पॉइंट फाइव एम एल तक इस माउस के अंदर जो कहना चाहिए यूरिन है ऐसी वुमेन का जिसको ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट होगी जिसका टेस्ट उसको लगाना है उसका यूरिन इसमें जो कहना चाहिए सब क्यूटेनियस वे में यानी इसकी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वो भी कितने टाइम तीन दिनों तक लगातार किया जाता है वो भी सुबह और शाम दिन में दो बार और तीन दिनों तक ये उसके अंदर इंजेक्शन किया जाता है 0.5 से लेकर 0.4 पॉइंट तक अब जब ये करा जाता है तो ये जो माउस रहते हैं इनकी एज उस टाइम पर कितनी होनी चाहिए तो एक तो ये माउस जो है या फिर माइस जो है वो इम होना चाहिए सेक्चुअली मेच्योर नहीं होना चाहिए दूसरी बात उनकी एज होना चाहिए तीन से लेकर चार वीक ओल्ड तक थ्री से लेकर फोर वीक ओल्ड ये माइस होने चाहिए तो ये तो हो गई शुरुआती बातें कि एक मैंने हाँ अब यहाँ पर लिखा है आप इसको देखिए 0.4 पॉइंट से 0.5 पॉइंट मॉर्निंग यूरिन जो होता है किसी वुमेन का अब मॉर्निंग यूरिन इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि जनरली प्रॉपर अमाउंट में कोर्नेटोट्रॉफीज मॉर्निंग यूरिन में ही देखने को मिल जाएंगे तो वो यूज़ कर रहे हैं और किसी प्रेग्नेंट वुमेन का यूज किया जाएगा जनरली जिसको ऐसा माना जा रहा है शायद वो प्रेग्नेंट होगी और उसको सब क्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाता है तीन दिनों तक वो भी ट्वाइस डेली कहा गया है तीन से लेकर चार इमेजोर माइस के अंदर जो कि तीन से लेकर फोर वीक्स तक ओल्ड है तीन से चार हफ्तों के जो माइस है उनके अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है जब फोर्थ और फिफ्थ डे आता है चौथा या पांचवा दिन इन दोनों में से एक दिन पर माइस जो होते हैं उनको सेक्रीफाइस किया जाता है सेक्रीफाइस का मतलब है उनको किल किया जाता है यहाँ पर तो यहाँ उनको सेक्रीफाइज करना जाता किया जाता है और उसके बाद उनकी ओवरीज को एग्जामिन किया जाता है क्योंकि हम फीमेल मा जो माइस है उनके अंदर ही कर रहे हैं ये सारी चेकिंग तो उनकी ओवरीज को फिर एग्जामिन किया जाता है तो सबसे पहले उनको सेक्रीफाइस किया जाता है देन उनकी ओवरीज को चेक किया जाता है कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं तो अगर उसकी ओवरी uh, में अगर ऐसे चेंजेस है जो कि हम यहाँ मेंशन करते हैं जैसे कि उसके जो फॉलिकल्स हैं जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं सो फॉर एग्जाम्पल ये फॉलिकल्स हैं इन फॉलिकल्स में अगर ब्लड फिल हो गया है ब्लड आ गया है इसके अंदर तो वो ओव्यूलेटेड हो गई हैं और दूसरा इनकी जो कॉरपोर ल्यूटिया है कॉर्पोरल ल्यूटियम जिसको हम कहते हैं अगर वो भी ओवरीज में दिखाई दे रहे हैं ल्यूटियम तो ऐसी फीमेल को या फिर ऐसे टेस्ट को हम कह सकते हैं कि वो जो फीमेल जिसका यूरिन यूज़ किया गया था वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है सो द टेस्ट इज पॉजिटिव इफ ब्लड फिल्ड फॉलिकल्स यानी कि ओव्यूलेटेड हो गए हैं और कॉर्पोरा लूटिया जो है वो ओवरीज के अंदर पाया जा रहा है तो ये दो चीजों का पॉइंट आपको यहां पर मैंशन करना होगा कि नॉर्मली एक माइस लिया जाता है तीन चार माइस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट uh, किया जाता है सिर्फ एक माइस पर नहीं बल्कि तीन चार माइस लिए जाते हैं क्योंकि ये तीन से लेकर चार हफ्तों के होते हैं उनको सुबह शाम दो बार ट्वाइस डेली uh, उनके अंदर इंजेक्शन किया जाता है सब क्यूटेनियसली तीन दिनों तक और इंजेक्शन के चीज का किया जाता है 0.4 से लेकर 0.5 पॉइंट का और वो भी जो मॉर्निंग यूरिन होती है किसी ऐसी वुमेन का जिसको प्रेग्नेंट माना जा रहा है उसका सो so ये सारी चीजें देखी जाती है और लास्ट में अगर उसकी ओवरीज के अंदर यानी माउस की ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो ब्लड वाले हो जाते हैं ब्लड फिल्ड वाले हो जाते हैं और उनका जो कारपोरल ल्यूटियम है वो उनमें प्रेजेंट रहता है इसका मतलब वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है उसका टेस्ट वहां पर पॉजिटिव आ जाता है और ये जो मेथड है वो एसेंशियली 99 परसेंट एक्यूरेट थी ये जो मेथड थी बहुत अच्छी से डिज़ाइन की गई थी एशियन जॉन्डेक के थ्रू और वो नाइन्टी सही थी डिसएडवांटेजेस यहाँ पर थे जैसे कि एनिमल की लाइफ यहाँ पर जा रही है एनिमल का सेक्रीफाइस हो रहा है दूसरी बात यहाँ पर चार से पांच दिन लगते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने में जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन है तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं तो ये तो बात हो गई एशियम जोडिक टेस्ट या फिर माउस टेस्ट की नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट इज फ्रीडमेंट टेस्ट और रेबिड टेस्ट यानी कि अब हमारा टेस्ट एनिमल यहाँ पर कौन बनेगा रेपिड बनेगा पहले माउस था नाउ इट इज रेपिड तो इसमें यूजअली जो मैच्योर फीमेल रैबिट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ना कि इम को तो मैच्योर ही फीमेल रैबिट्स ली जा रही है यहाँ पर सो मैच्योर वर्ड आप याद रखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कि उन रैबिट्स uh, को पहले से आइसोलेट किया गया है अलग रखा गया है मेल्स से यानी कि मेल्स के साथ इनको थोड़े दिन से अलग रखा गया है आइसोलेट रखा गया है और वो भी कितने टाइम के लिए सिक्स वीक्स के लिए छः हफ्तों से ये जो फीमेल थी जो कि मेच्योर है आम, लेकिन इनको रैबिट्स जो मेल रैबिट्स होंगे उनसे सिक्स वीक्स के लिए आइसोलेटेड वे में रखा गया था अब ये जो रैबिट्स होते हैं ये नॉर्मली दो रहती हैं और दो रैबिट्स को लिया जाता है यहाँ पर जिनको इंट्रावीनसली अब इंट्रावीनस का मतलब होता है इनकी वेंस के अंदर इंजेक्शन लगाया जा रहा है और इनके अंदर इंजेक्शन इंट्रावीनसली लगाया जाता है जिसमें टेन से लेकर फिफ्टीन एम ऑफ़ टेस्ट यूरिन यूज़ होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आप यहाँ देखेंगे तो वन जीरो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है यहाँ बीच में एक डैश आना चाहिए था तो दस से लेकर पंद्रह एम एल टेस्ट यूरिन इनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है वो भी कैसे इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है एक रेबिट को एग्जामिन करते हैं चेक करते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स लेटर और जो दूसरा वाला रेबिट है उसको दो दिन बाद चेक किया जाता है तो एक रेबिट को तो तुरंत ही 24 घंटों के बाद ही चेक कर लिया जाता है उसका सेक्रीफाइस करके उसको भी चेक करेंगे लेकिन जो दूसरा रेबिट होगा क्योंकि हमने दो यहां पर रैबिट्स को टेस्ट एनिमल बनाया था तो दूसरा रेबिट कब यूज करा जाएगा उसका सेक्रीफाइस कब किया जाएगा टू डेज के बाद किया जाएगा दो दिनों बाद तो अगर एक पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा तो वो आइडेंटिफाई कर देगा जैसे अगर उसका जो टेस्ट होगा वो एक्यूरेट होगा मोर देन नाइनटी इसका टेस्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा बट इट इज यूज इन फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ द ग्रेटर कॉस्ट ऑफ टेस्ट एनिमल्स लेकिन ये जो टेस्ट है इसको बहुत कमी से ही यूज किया जाता है क्योंकि अगेन यहां पर एनिमल की लाइफ को सेक्रीफाइट किया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा तो क्योंकि एनिमल की लाइफ भी एक तरह से उसकी लाइफ प्रीशियस है हम उसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर नेक्स्ट इज हॉगबेन टेस्ट हॉकबेन टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है इंजेक्शन किया जाता है 20 से लेकर 30 का जो कि दो तरह के हमारे सर्क्यूलेटरी सिस्टम हो सकते हैं एक ब्लड वेसल सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है तो उसी के अंदर जो लिम्फ सेक होते हैं डोरसली जो लाए करते हैं बॉडी में उनके अंदर यहाँ पर यूरिन को इंजेक्ट किया जा रहा है अगेन

टोड जो होते हैं उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है जीनोपस लीविस तो उसके अंदर इंजेक्शन किया जा रहा है उसके लिम्फ सेक के अंदर जिसकी वजह से अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो उसके जो ओवा होंगे उन मतलब तो, उसकी जो ओवरीज होगी उसमें ज्यादा नंबर ऑफ ओवा देखने को मिलेगी विद इन सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स देखिए यहाँ पर छह से बारह घंटे के अंदर जब देखा जाएगा उनकी ओवरीज को एग्जामिन किया जाएगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ ओवा का अपियरेंस आ गया है तो ये तो बात हो जाती है हॉकबन टेस्ट की तो हॉकबेन टेस्ट में आपने फ्रॉक का यूज करा जिसका नाम था जीनोपस लीविस नाउ वी विल टॉक अबाउट दी स्पर्म शेडिंग टेस्ट और गैली मेननी टेस्ट यहाँ यहाँ पर तो देखते हैं इसको सो आर स्टार्टिंग स्पर्म शेडिंग टेस्ट और गैली मेनिनी टेस्ट इस टेस्ट को अगर आप हॉकबन टेस्ट से कंपेयर करते हैं तो बहुत कुछ उससे होता है। के अंदर का यूज ऑफ मेल टोड और मेल फ्रॉग अब मेल टोड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्यूफो एरीनेरम वही मेल फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना पीपीएं सो देर विल बी टू नेम्स हियर अब यहाँ पर फाइव फेमल यूरिन का इंजेक्शन किया जाता है डॉर्सल लिम्फ सेक के अंदर वो भी किसके अंदर मेल टोड में या फिर मेल फ्रॉक जिसके अंदर भी आप यूज कर रहे हैं फिर एक से दो घंटे बाद ये देखा जाएगा कि जो टोर्ड होगा या फ्रॉक का यूरिन होगा उसको एक्सपाइरेट किया जाएगा उनकी क्लोए का से ना वॉट इज क्लोए का क्लोए का एक कॉमन ओपनिंग होती है कॉमन आउटलेट होता है जिसमें यूरिनेशन डिफिकेशन और रिप्रोडक्शन तीनों ही पर्पज सॉल्व होते हैं एंड जनरली क्लोए का जो रेप्टाइल्स होते हैं एम्फीबियंस होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनमें पाया जाता है सो so, ये तो आपको क्लोएका की मैंने यहाँ पर कॉमन आउटलेट की डेफिनेशन बता दी कॉमन आउटलेट होता है यूरिनेशन का डिफिकेशन का और रिप्रोडक्शन का सो so, क्लोएका से आ, कहना चाहिए एस्पायरेशन किया जाता है यूरिन का एस्पायरेशन मतलब वहाँ पर एक आ, किसी भी लिक्विड या गैस का जब सक्शन किया जाता है किसी भी चीज़ के थ्रू उसको एस्पाइरेशन किया जाता है तो इनके यूरिन का यहाँ पर एक्सपाइरेशन होगा एक प्रिपेड के थ्रू और फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा माइक्रोस्कोप के नीचे जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या उसमें स्पर्मोटोज हुआ प्रेजेंट यानी स्पर्म्स प्रेजेंट है या नहीं तो अगर स्पर्म सेल्स दिखाई दे जाते हैं माइक्रोस्कोप में इनकी यूरिन के अंदर इस फ्रॉग के या फिर स्टोर्ड के यूरिन के अंदर तो ये रिप्रेजेंट कर देता है या फिर ये इंडिकेट कर देता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव था तो यहाँ पर ये वाली चीज हो रही है गैली मैनिनी टेस्ट के अंदर गैली सॉरी गहली मैनिनी टेस्ट के अंदर ये हो रहा है कि फाइव एम यूरिन जो है पहले फीमेल का इनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है इनके लिम्फ सेक जो होते हैं डॉर्सल लिम्फ सेक उनमें इंजेक्ट किया जाता है टोड या फ्रॉक के अंदर एक से दो घंटे बाद ये देखा जाता है कि उसकी जो यूरिन है उसके अंदर आ, क्या स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है या फिर नहीं है तो ये चीज को स्पर्म शेडिंग टेस्ट या फिर गैली मैनिनी टेस्ट कहा जाता है सो द नेक्स्ट टेस्ट इज ओवेरियन एन टेस्ट और रेड टेस्ट अगेन रेड का यूज़ किया जाएगा इसको कपरमैन टेस्ट भी कहा जाता है हाइपर का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी पार्ट में एक्सेस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है एक्स्ट्रा ब्लड अगर उस बॉडी पार्ट में आ रहा है तो उसको हाइपर कहा जाता है कंडीशन होती है तो इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है वो वुमेन जो कि वी कैन वीकेंसी अ वुमेन विच इज थॉट टू बी प्रेगनेंट उसको माना जा रहा है कि शायद वो प्रेगनेंट होगी तो उस वुमेन uh, का टू एम यूरिन जो होगा वो इंट्रा पेरिटोनियली इंजेक्ट किया जाता। अब यहाँ पर इंजेक्शन कैसे लगाया जा रहा है पेरिटोनियली, यानी पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियम एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि बॉडी कैविटी के ऊपर लाइनिंग बनाती है जनरली सीलों के ऊपर लाइनिंग बनाती है या फिर एवडोमन के ऊपर पाई जाने वाली जो आ, लाइनिंग होती है मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिटोनियम कहा जाता है तो अगर पेरिटोनियम में इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसको इंट्रापेरिटोनियली कहा जाएगा अब होता क्या जनरली जो यहाँ पर रेड लिए जाते हैं उन रेड को ट्वाइस, दिन में दो बार इंजेक्शन लगाया जाता है लेकिन जब पहला रेड टेस्ट मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि एक को सुबह लगाएंगे तो दूसरा इंजेक्शन शाम को लगेगा लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन के ड्यूरेशन दिन में दो बार है लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पर चेंज कर जाते हैं जैसे अगर एक इंजेक्शन एक बजे लगाया गया तो दूसरा इंजेक्शन उसी के एक घंटे बाद यानी दो बजे लगाया जाएगा तो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है टाइम ड्यूरेशन में वो सिर्फ एक घंटे का आ रहा है और जिन रेड्स में लगाया जाएगा अगेन वो प्री प्यूबरल रेड्स होंगे उनमें प्यूबर्टी नहीं आई होंगी और एनिमल्स यहाँ पर जो होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है आफ्टर दी इंजेक्शन और इंजेक्शन के बाद उसको जब एग्जामिन किया जाता है तो उनकी ओवरीज में हाइपर देखने को मिलता है यानी वहां पर एक्सेसिव ब्लड आ जाता है या फिर वहां पर ब्लशिंग देखने को मिलती है यानी वो बहुत रेड हो जाती है सो टू सिक्स ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर आवर्स तक उनकी ओवडीज़ को चेक किया जाता है ये उनके ड्यूरेशन देंगे दो घंटे बाद छः घंटे बाद बारह घंटे बाद और चौबीस घंटे बाद और ये जो हाइपरामिक रिस्पॉन्स होता है इसको एक तरह से क्वान्टिटेटिव ऐसे की तरह भी यूज़ किया जाता है फॉर सी तो सी के लिए अंदर सी के अंदर क्वान्टिटेटिव ऐसे के लिए यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट टेस्ट इज इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लेकिन पहले हम लोग जो इसका डायग्राम है उसको देखकर समझते तब जाके इसके स्टेटमेंट हमें क्लियर हो जाएंगे तो देखिए ये प्रिंसिपल है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी के आप भी ये चार्ट अपनी कॉपीज में करेंगे तो इजी हो जाएगा समझना सबसे पहले एक तरफ चार्ट जो शोन है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और दूसरी तरफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डायग्राम हमारे सामने शोन है एक तरफ देखिए जो यूरिन है प्रेगनेंट वुमेन की उसमें जो चीज प्रेजेंट है वो एच है तो जिसको हम पहले से ही कि जो प्रेगनेंट वुमेन रहती है उनका मॉर्निंग यूरिन में एच प्रेजेंट रहता है प्लस अगर उसके ऊपर एच सी जी का एंटीसीरम अगर कहना चाहिए उसके साथ अटैच किया जाएगा तो होगा क्या उसका रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दी एंटीबॉडी देखने को मिलेगा और उसके बाद साथ में एच कोटेड लेटिक्स पार्टिकल्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे जिसकी वजह से कोई विजिबल एग्लूटिनेशन नहीं होगा यानी एंड में एग्लूटिनेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा दूसरी बात नॉन प्रेगनेंट वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो इधर क्या होगा यूरिन इन जो वुमेन रहेगी उनकी कैस रहेगी विदाउट एच होगी यानी ह्यूमन कोरियोनिक कोरिकोनेट्रोट्रोफिन साथ में इसी के ऊपर एच सी जी एंटीसीरम भी अगर आता है तो रिएक्शन क्या होगी एच एंटीबॉडी नॉट न्यूट्रलाइज्ड जैसे इस वाले केस में अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ क्या हो रहा था न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था एंटीबॉडी का लेकिन यहाँ पर जो एच एंटीबॉडी है वो यहाँ पर क्या हो रही है न्यूट्रलाइज नहीं हो रही है साथ में एक और चीज क्या देखने को मिल रही है एच कोटेड लेटेक्स पार्टिकल्स तो यहाँ पर रहेगी सी क्योंकि उन्हीं की मदद से तो ये चीज हम चेक कर रहे हैं तो एंड में क्या होगा यहाँ पर विजिबल एग्लूटिनेशन देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ था इसलिए एंड में यहाँ पर एग्लूटिनेशन होगा और यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो एक तरह से हो रहा था तो लास्ट में यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा था तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि आपको पता होना चाहिए अब मैं इसकी और एक डिटेल वाला डायग्राम शो करती हूं यहां पर तो देखिए यहाँ पर ये लेटेक्स पार्टिकल्स को शो किया गया कोटेड विथ एच सी जी तो एक छोटे छोटे डॉट्स यहां पर लेटेक्स पार्टिकल्स के हैं और उसके सॉरी जो बड़े पार्टिकल्स है वो लेटेक्स पार्टिकल्स है जो कि किससे कोटेड है जो पिंक डॉट्स है यहां पर एच के जी साथ में एंटी एच एंटीबॉडीज जो होती है एंटीबॉडीज को हम एंटी एच एंटीबॉडीज कह सकते हैं वो इन वाई के शेप की जैसे आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि जनरली एंटीबॉडीज को हम इसी शेप से रिप्रेजेंट करते हैं साथ में यूरिन सैंपल है मान लीजिए ये तीनों चीजों को यहां पर शो किया गया अब अगर मान लीजिए जो यूरिन सैंपल है वो आ, उसके अगर उसके यूरिन सैंपल में एच अगर प्रेजेंट है यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन का ये वाला साइड हम किसके लिए बना रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पी लिख लेते हैं हम यहाँ पर और ये वाला साइड रहेगा नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अब इसको देखिए अगर इसके यूरिन में एच प्रेजेंट है तो आगे जाके देखिए यहाँ पर बाइंडिंग देखने को मिल रही है एच हCG... तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये जो एंटी एचसीजी एंटीबॉडीज है उसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस साइड में तो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जाए तो उसकी यूरिन में तो यहाँ पर एच प्रेजेंट है और यहाँ पर एनपी का मतलब है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन अब देखिए यहां पर ये दो स्टेटमेंट तो क्लियर हो रहे होंगे और एचसीजी को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा इन स्मॉल डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा अभी भी हमने यहाँ पर भी यही बात की थी ऊपर के डायग्राम में जो छोटे पिंक डॉट्स है वो एचसीजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब आगे देखिए यहां पर जब उनकी ये पिंक डॉट्स की बाइंडिंग हो जाती है एंटी एच एंटीबॉडीज के साथ तो देखिए इस तरह से कहीं से अगर हम देखते हैं नॉर्मल यहां पर ये स्ट्रक्चर था जैसा, उसके ये हो अब नीचे मतलब no तो अटैचमेंट नहीं देखने को मिल रहा है नो बाइंडिंग ऑफ एचसीजी देखने को मिल रहा है इस वजह से एंड में क्या हुआ एग्लूटिनेशन हो गया क्योंकि जब एच बॉडीज वहां पर कोई नहीं प्रेजेंट रहेगी तो नॉर्मली क्या होगा वो सब एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर एग्लूटिनेशन देखने में मिलेगा सो so, ये क्या शो करेगा यहां पर नेगेटिव टेस्ट को तो ये एक हमने चार्ट के फॉर्म में इसी बात को देख लिया जो कि हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो अब हम उसका स्टेटमेंट देखते ताकि वो चीज और क्लियर हो यहाँ कि इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन ऑफ लेटेक्स पार्टिकल्स कोटेड विद एंटीबॉडीज टू कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन फिर उसके बाद जो एंटीबॉडीज यहां पर प्रोड्यूस की जाती है उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का इन रेबिट्स तो यहां पर यह कहा जा रहा है वो जो एंटीबॉडीज यहां पर बनाई गई है एच की जिनको हम एंटीबॉडीज के नाम से ही समझ रहे थे वो कहाँ से ली जाती है रैबिट्स से ली जाती है

कोरो एपिथेलियोमा वुड गिव राइज टू फॉल्स रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी टेस्ट तो यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि अगर एक मोल जो रहता है अगर उसके फॉर्म जो कोरियोन एपिथिलियोमा रहेगा उसको अगर देखा जाएगा तो उसकी वजह से फॉल्स रिजल्ट्स भी कभी कभी आ सकते हैं तो ये नॉर्मल सी चीजें थी जिसका मेन फोकस आपको डायग्राम पर करना है उसी से ये चीज़ें क्लियर होती है तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे अब यहाँ पर एक बात है कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर मोर देन 95 टू 96 परसेंट एक्यूरेट व्हेन दीज आर कैरिड आउट टू वीक्स आफ्टर दी फर्स्ट मिस तो ये वाले टेस्ट का एक्यूरेसी रेट 95 से 96 परसेंट रहेगा अगर वो आफ्टर टू वीक प्रेगनेंसी के बाद अगर टेस्ट किए जा रहे तो जनरली और फर्स्ट जो मिस्ड मैसेज होंगे उनके बाद अब जो टेस्ट यूरिन रहेगा वो फर्स्ट यूरिन जो रहेगा वो मॉर्निंग यूरिन रहना चाहिए यहाँ पर और जो पेशेंट शुड नॉट बी टेकन एनी ड्रग्स और एल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर एटलीस्ट ट्वेल्व आवर्स बिफोर कलेक्शन ऑफ यूरिन और एक चीज का यहाँ पर टेस्टिंग में ये रहेगा कि ट्वेल्व आवर्स का टाइम पीरियड रहना चाहिए जिसमें कोई ड्रग्स और बेवरेजेस फीमेल ने या प्रेगनेंट वुमेन ने नहीं लिए हो तो ये वाली बातें यहां पर आ जाती है इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल साइंस जो हो सकते हैं उनके टेस्टिंग के वो हमने ऑलरेडी ये ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़े होते हैं तो जो चेडविक साइंस और हैकर साइन होते हैं वही यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें सेवरल साइंस जो देखने को मिल सकते हैं जो ड्यूरिंग uh, प्रेगनेंसी किसी वुमेन में देखने को मिलेगी वो क्या हो सकते हैं वो यहां पर मैंशनड है जैसे वेस्क्युलरिटी सॉफ्टनिंग इंक्रीज सिक्रीशन इन दी वेजा इंक्रीज वेस्कुलरिटी चेंजेस द कलर ऑफ द वेजाइनल वॉल फ्रॉम द यूजल पिंक म्यूकोसा टू अ ब्लूइश साइनोटिक कलर और ये सभी चीज चेडविक साइन के अंदर आ जाती दूसरा फिजिकल साइन यहां पर यह हो सकता है गर्डर साइन को जो हमने समझा था वहां पर जिसमें इसमस या फिर जंक्शन बिटवीन दी सर्विक्स एंड द बॉडी ऑफ विटेरस में कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी विच रिजल्ट्स इन द ग्रेटर मोबिलिटी बिटवीन दी टू एरियाज विच मे बी फेल बाय द फिजिशियन और बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है बेसिक जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जाता है उसमें हमें सारे जो एनिमल के नेम्स पे टेस्ट जो बेस्ड होने थे जैसे कि ओवेर एन हायरमिक टेस्ट जो कि रेड टेस्ट कहलाता है कपरमेंट टेस्ट फिर उसके बाद गैली मेनिनी टेस्ट ऑगबेन टेस्ट रेबिड टेस्ट और माउस टेस्ट उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रो देखा था ये सारी बातें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर सारे टेस्ट को मैंशन करेंगे तब ये शॉर्ट नोट पूरी तरह से वहां पर कम्प्लीट हो जाएगा सो आई थिंक ये टॉपिक यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है एंड थैंक यू सो मच डोट वर्गर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग